firstly thank you so much and मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं upcoming जो artist अपने आप को self proclaim करता हूँ मैं भी अभी तक upcoming हूँ नहीं नहीं बिल्कुल upcoming नहीं है आकाशा एकदम full renowned तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी आकाशा ने मेरे साथ collab किया and जो normal सा गाना था उसमें चांद सितारे डाल दिए तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए I don't think ये upcoming वाला मैं support upcoming artist hashtag आकाशा का मैं खुद मुझे आपने मुझे support किया मैंने आपको support किया हम दोनों अपकमिंग हैं बट नो आई थिंक आई एम सो सो हैप्पी कि मैंने ये किया बिकॉज इनकी पूरी एल्बम एवरी सॉन्ग एस्पेशली ये गाना जब उन्होंने मुझे भेजा था इतना प्यारा गाना है तो लाइक हाउ वुड आई इवन नॉट लाइक आई वाज लिटरली आई हर्ड इट आई वाज लाइक यस बिल्कुल तो बहुत बहुत अच्छा था तो मैं आकाशा को शायद बता चुका हूँ ये बात ऑलरेडी कि मतलब मैं एक्चुअली चाह रहा था कि बहुत बेसिक सा गाना और चल रहा था जो मैंने कंपोज किया था तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा था इसमें मतलब मुझे थोड़ा सा एलिमेंट डालना है कुछ एंड फिर मैं रैंडमली आकाशा की स्टोरी कोई देखी थी एंड मैंने सोचा था कि वाई नॉट आस्क हर इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखी थी तो फिर उसके बाद मैंने मैसेज किया एंड उनको टाइम से बिग बॉस चल रहा था और प्रॉपर बात बात नहीं हो पाई थी उसके पहले हो गया था उसके बाद फिर बिग बॉस शूट नहीं हुई थी तो वो टाइम पर फिर सोचा कि कर दो मैसेज एंड शी वॉज सो स्वीट कि उन्होंने मतलब इन्होंने किया एग्री करने को बस यही बात है व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग केम इन योर माइंड टू कॉल अप जैसा कि मैंने बोला मुझे गाना मुझे एनी वे तंजील को मैं उससे बहुत पहले से फॉलो कर रही थी एंड हमारी एक दो बार बात भी हुई थी और एक गाना भी था इसमें अगर हेल्प किया था मुझे थोड़ा वो इन्होंने एक्चुअली इंग्लिश मेजर्स किए तो फिर प्रॉब्लम अरे ऐसा कुछ नहीं है मैं इंग्लिश गाने मतलब एक उसमें बात हुई थी एंड आई रियलाइज कि इतने ये जो इनका म्यूज़िक की तरफ पैशन है आई रियली अप्रिशिएट दैट और जब उन्होंने मुझे बोला कि एक गाना है ब्ला ब्ला मैंने एक्चुअली गाना सुनने से पहले ही बोला था आई वुड डेफिनेटली डू इट बट इतना प्यारा गाना था सो देयर वाज द फर्स्ट थॉट वाज दैट ओ माय गॉड आई वुड लव टू सिंग अ सॉन्ग और ऑल्सो ऐसे गाने गाने का मुझे मौका नहीं मिलता इतने प्यारे सॉफ्ट गाने गाने का कोई मौका देता नहीं है मुझे ओके सो इन द रियल लाइफ इफ यू वांट टू डेडिकेट दिस दास्तान टू एनीवन ऑफ योर फ्रेंड क्लोज फ्रेंड बिग बॉस फ्रेंड किसको डेडिकेट करो अच्छा मतलब आप चाहते हैं घूम फिर के एक नाम बोलूँ मैं कैसी है ये दास्तां मैं अपनी ही बिग बॉस जर्नी को करनी चाहिए क्योंकि मुझे ही समझ नहीं आई कि मेरी क्या दास्तां थी वहाँ पे आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज किसी को डेडिकेट नहीं करना तंजील आप बताओ ये तो मतलब है ही दास्तां मेरे बारे में तो फिर मैं क्या करूँ किसके लिए कुछ वो तो आपको बट लेकिन नहीं दिमाग में एंड कर दिया पहले मैंने वीडियो सोचा था उसके बाद में मैंने गाना लिखा था तो ऐसा कोई प्रॉपर नहीं फिक्शनल है सब कुछ तो बस अगर डेडिकेट करना रियल लाइफ में तो शायद मैं ही होऊंगा बस इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ या इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इंसिडेंट्स एंड सॉन्ग की मैं बात करूं इट एंड अप इन अ बैड वे सो डू यू वांट टू मेक अनदर म्यूजिक व्हिच कैन एंड अप इन अ गुड वे नहीं यार हैप्पी एंडिंग तो बहुत मेनस्ट्रीम मुझे लगता है अच्छा एंड एक्चुअली मतलब जो हमारा बजट था उस हिसाब से एकदम से फट से फ्लिप कर रहा था कुछ तो मेरा से इससे बेटर कुछ था नहीं बट मतलब मेरे जितने भी पास्ट में गाने हुए सब हैप्पी एंडिंग ही थे सब कहीं ना कहीं अगर आपने बेफिक्र वगैरह सुना है तो उसमें भी सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ सब प्रिंसेस सिंड्रेला वाला सीन होता है लेकिन थोड़ा रियल लाइफ भी रखा है कि क्या हो सकता है उनके तीन गाने आए आप किस गाने की बात करो बैक टू बैक थ्री ऑफ देम आई लव्ड ऑल ऑफ देम इन फैक्ट फर्स्ट वाला जब ड्रॉप हुआ था मैं इनके साथ थी मैं शूट कर रही थी एंड ऑब्वियसली आई एम सो हैप्पी फॉर हिम क्योंकि मैंने उन्हें देखा है ये मैनिफेस्ट ये सपने देखते हुए कि मैं यू नो मुझे काम करना है तो वो एक के बाद एक कर रहे हैं मेरा फेवरेट आई थिंक नैना मेरे है क्योंकि सुयश ने गाया भी बहुत प्यारा है and I really like that side of Prateek in that so. and there are so many fans want to see you and Prateek to collab with each other so kya kuch kehna chahoge kab hum dekhenge jaldi agle mahine aa raha hai ek music video kar chuki hu main unke sath and last aap abhi pucho filhal ki tanvi agla gana kab de rahe ho acha oh shit main abhi actually akasa ke channel pe aane wala hai akasa ab main gana ek likhne wali hu aur tanvi akasa compose kariye main likhunga yes and lastly what kind of response you are looking forward from this song मतलब काम करना हमारे हाथ में रिस्पॉन्स देना तो आप लोग ऑडियंस के हाथ में तो बस ऐसा है कि अब तक अच्छा है बट दिल से काम करना है एंड अपना जो प्रॉपर पैशन एक मतलब हम लोग का जो पैशन है म्यूजिक को लेकर वो ऐसा कोई नंबर ड्रिवन नहीं है एक स्टैंडर्ड है कि हमको एक ऐसा है कि बस आई वॉन्टेड टू पुट इट आउट देयर तो वो सीन है तो जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो पॉजिटिव ही है तो बढ़िया बाकी तो खुश है
थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. ठीक से दुबई जाना था.